तो भाई आज खेला जाएगा मुंबई वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच। तो हैदराबाद की टीम को तो आप जानते ही हैं और मुंबई की टीम को आप जानते ही हैं, ठीक है। तो आइए इन दोनों के बीच का स्टेटस देखते हैं, किसको अपने टीम में लेके चलना सही रहेगा, किसको छोड़ना सही रहेगा, ठीक है। मैच नंबर 59 है, वानखेड़े स्टेडियम। स्टेडियम भी अच्छा खासा, वानखेड़े से सभी लोग परिचित होंगे, किसी को परिचित कराने की जरूरत ही नहीं है ना। मुंबई में तो मैच है तो इन्हीं का होम ग्राउंड हो गया मुंबई का ही, ठीक है। 21 मई 3:30 PM मतलब दोपहर को ही मैच खेला जाएगा, रात का इंतजार मत कीजिएगा इसके लिए, ठीक है। रात में दूसरा मैच आपके लिए आएगा। तो आइए अपने आदत के मुताबिक क्या है ना, इन दोनों में से क्या है मुंबई हैदराबाद में से आज का मैच कौन जीतने वाला है, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स खोल करके कर दीजिए, जिससे कि अपने को थोड़ा सा मदद मिलता है टीम को बनाने में, ठीक है, हेल्प होता है, जिससे कि आप लोग, जैसे मैं तो मान लीजिए अभी बोल दूंगा मुंबई, ये मेरा सिर्फ हो गया, अगर आप पूरा लोग कमेंट करते हो उसमें तो आप सबका उसमें आता है, और उसमें फिर मिला करके देखा जाता है कि हाँ भैया किसका ज़्यादा आ रहा है मुंबई का, तो चलो मुंबई की तरफ से थोड़ा सा प्लेयर ज़्यादा लेके चलते हैं, ठीक है, इसलिए कमेंट वगैरह करवाते हैं ये सब है। और उसके बाद अगर बात करते हैं, एक लाइक आपको करना है, लाइक करने का भी एक कारण क्या है भाई, पिच रिपोर्ट है, हेड टू हेड रिकॉर्ड है, एवरी प्लेयर स्टेटस एंड रिकॉर्ड्स, प्लेयर बैटल, प्लेयर परफॉर्मेंस, जीएल टिप्स, बेस्ट जीएल एंड एसएल टीम साथ में आपको मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, सिर्फ एक लाइक ही मांगा जा रहा है और कुछ नहीं मांगा जा रहा, ठीक है। तो फटाफट से लाइक कीजिए, टॉपिक कवर इन दिस वीडियो, 7 चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो ध्यान से अपना विजन जो है क्लियर कर लीजिए पहले, आगे आप देखने क्या आए हैं यहाँ पर, इन सब में से जो आप देखने आएंगे वो चीज़ दिखाई देगा आपको, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये चीज़ जान लीजिए। अब ये क्या है, ये है भैया टेलीग्राम, जहाँ पर चूना लगता है, किसका, जो समझ के नहीं आता टेलीग्राम पर, ठीक है। अब जैसे समझना क्या है, लोग समझते नहीं है कि हमारा टेलीग्राम किस कौन सा है और दूसरे का टेलीग्राम कौन सा है, तो जो भाई दूसरे का टेलीग्राम पे लोग ज्वाइन हो जा रहे हैं उसमें लग रहा है उनका चूना आके मेरे पास एक तो आज इंस्टाग्राम में मैसेज भी आया था कि भैया हमसे 1000 रुपये ले लिया। हम बोले काहे दिया रे भाई, बोले कहा कर दे दिया, आपका नाम लिखा हुआ था टेलीग्राम वहाँ पे, आपका फोटो भी लगा हुआ था। बोला अरे यार ऐसा थोड़े होता है कि मतलब फोटो नाम लिखा तो देते जाओ यार, जब यहाँ सामने बोल रहे नहीं देना तो फिर काहे देना। इसको देने वाले को बोलते हैं लालच, और लालच आपको कहीं जीने नहीं देगा, तो जान लीजिए लालच करना है मगर किस पे, मेहनत पे लालच कीजिए कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इस पे लालच होगा ना सब पूरा होगा, मगर ऐसे लालच जो होते हैं ना पैसा देके काम उससे नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मेहनत की लालच होती है यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या है भाई, नए लोग देखिए मोर पे क्लिक कीजिए, मोर वहाँ पर सामने दिख रहा है, अब पुराने लोग भी जान लीजिए भाई, एक बार मोर पे आप भी क्लिक करिए, ठीक है। सब लोग आज क्लिक करेंगे, जितने लोग मोर पे करेंगे क्लिक, उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन खुलेगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोग आएंगे, यहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक दिखाई देगा, इस लिंक पर सभी लोग आज क्लिक करिए, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं आप लोग, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो मेरे ओरिजिनल टेलीग्राम पर पहुँचेंगे, ओके। हो सकता है जो पुराने लोग हो दूसरे पे कनेक्ट हो, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसे देते हैं कनेक्ट है दूसरे से, वहाँ भाई प्राइम टीम तो है ही मांगता है, पैसा देते हैं लोग, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो जस्ट मेरे ओरिजिनल टेलीग्राम पे आ जाएंगे, 50,000 से ज़्यादा आपको सब्सक्राइबर्स में दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको ज्वाइन कर लेना है। नए लोग यहाँ ज्वाइन करेंगे, बाकी जो पुराने होंगे उसमें ये ज्वाइन का ऑप्शन ही नहीं आएंगे, समझ लेंगे भैया हमारे टेलीग्राम पे नए पे आए हैं। और ओरिजिनल अपना ये है क्या, गोल सा वीडियो हमारा जाता है टेलीग्राम पे, कभी कभी छोड़ते रहते हैं हम, ठीक है। इसको बोलते हैं ओरिजिनल, ठीक है, पहचान। इस पे आने का आपको चार्ज क्या देना है, देखिए हर जगह भाई आप जहाँ भी टेलीग्राम पे जाएंगे ये हो कहीं पर भी तो क्या लेता है आपसे कोई भाई, 1499 किसी का है ना, किसी का 3000 है, किसी का 999 है, मगर मेरे पास कुछ नहीं। मेरे पास क्या है, एक लाइक है, एक फायर इमोजी है, दिल का इमोजी है, कार्टून गुड्डा ताली हार्ट वूट जो है आप अपना भेज सकते हैं मेरे को, ठीक है। तो ये हो गई मेरी बात। दूसरी बात ये है कि ये एक क्रिकेट एक्सपर्ट गुरुजी चैनल जो आपके सामने चल रहा है यूट्यूब चैनल, जिससे कि आप लोग सब फायदा उठा रहे हैं, सब स्टेट्स देख करके अपना टीम बना रहे, अच्छा खासा विनिंग कर रहे हैं, तो भाई साहब इसको भी मतलब सपोर्ट देना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इसको भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि बेचारा ये खुश हो जाए कि चल भैया कम से कम हमारे में खा रहे हैं लोग तो हम लोग को छेद नहीं करके फेंक, है ना। वही बोला हाल मत कीजिएगा कि भैया जिस थाली में खाओ उसमें छेद करके फेंक दो, यार ऐसे नहीं करने का, ठीक ना। तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, इन सब चीज़ों में आपका 1 रुपये नहीं लगना है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों में आगे आपका 1 रुपये नहीं लगता, उसके लिए हम क्या लाते हैं आपके लिए पूरा मेहनत दिन दिन भर करके स्टेट्स लेके आते हैं सामने, और जो हमसे टूटी पूरी टीम बनती है वो आपको टेलीग्राम पे देते भी है। ये तो नहीं बोल सकते कि रोज़ हम विनिंग करा ही देंगे, ऐसा किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि हम लोग ग्रैंड लीग के सिपाही हैं, ठीक है। हाँ स्मॉल लीग होती तो उसकी बात अलग थी, ठीक है, हम लोग ग्रैंड लीग वाले हैं, ग्रैंड लीग रोज़ नहीं लगता है, समझे। इसलिए आप भी क्या है इसमें स्टेटस देख करके अपने से भी टीम बनाने की ट्राई किया कीजिए, हमारे ही ऊपर मत रहा कीजिए। हो सकता है हमारा किस्मत यार कल को ना चले तो क्या हो सकता है, जितने लोग हम टीम देंगे सब बर्बाद हो जाएंगे उसमें, तो अपना भी दिमाग दौड़ाना जरूरी है। सब चीज़ आपके सामने है, जो चीज़ से हम वीडियो बनाते हैं और टीम बनाते हैं वो चीज़ आपके सामने है, दुनिया जिससे बनाता है वो चीज़ आपके सामने है, ठीक है। तो समझिए और खुद से भी टीम बनाना शुरू कर दीजिए।
फिर लास्ट में तो हमारा टेलीग्राम जिंदाबाद है, अपना टीम हम जो खेलते हैं वो देते ही है, ठीक है। होता है भाई 10 मैच अगर हम खेल रहे तो उसमें से 8 अगर पास हुए तो 2 हम फेल होंगे ही होंगे, कोई इसको रोक रोक नहीं सकता, कोई मतलब कंसिस्टेंट जो ग्रोथ होता है ना वो चीज़ नहीं आ सकता कभी भी किसी के हाथ में, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं पिच के ऊपर। देखिए पिच क्या है, वानखेड़े स्टेडियम पिच एनालिसिस, ठीक है। ये देखिए सब बना हुआ है टाटन पिच, और यहाँ पर देख सकते हैं ये वानखेड़े का स्टेडियम है। एवरेज स्कोर की अगर बात की जाए तो 160 से 180 यहाँ पर एवरेज बन जाता है, लगभग मतलब इतना बन जाता है, ठीक है, इतना के बीच में लगभग हो। और उसके बाद हाईएस्ट स्कोर कितना हो जाता है, 235 पे 1 यहाँ पर गिरा, हाईएस्ट भी बनता है, और लोवेस्ट 67 पे 10। तो कह सकते हैं बड़ा खतरनाक जादुई पिच है, तो आप भी दोनों हिसाब से टीम बनाइएगा सोच के, ठीक ना। एक तो टीम बनाइएगा जिसमें बैट्समैन भी होंगे, सिर्फ क्योंकि एक ही विकेट गिरा है भाई साहब, तो बैट्समैन को भी लेके चलेंगे, ठीक है। दूसरी टीम बनाएंगे तो बॉलर्स के साथ भी लेके चलेंगे, मतलब दोनों हिसाब से एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं ना, वैसे ही इस स्टेडियम और इस ग्राउंड का दो पहलू है, ठीक है। तो ध्यान रख के टीम बनाइएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ बैट्समैन के लेके बना बना देंगे तो यहाँ बॉलर हावी हो गए कहीं तो ले सब क्रियाक्रम हो जाएगा, ठीक ना। तो क्रियाक्रम ना कराएं, टीम का दोनों तरफ से टीम बनाइएगा अपना, ठीक है। पिच सुटेबल फॉर सपोर्ट बैटिंग, हालांकि ज़्यादातर मोस्ट मतलब सपोर्ट बैटिंग को करते तभी 160 से 180 बनता है, मगर वही जिस दिन बैटरों का किस्मत खराब होता है तो ये 67 पर 10 विकेट भी यहाँ पर दिखाई दे देता है, ठीक है। वेन्यू T20 स्टैटिक्स क्या होता है इसको समझिए, स्टैटिक्स का मतलब यहाँ पर वेन्यू पर T20 में कैसा रन बनता है, कितना मैच हुआ, ये चीज़ आप जानेंगे इससे, ठीक है। टोटल मैचेस कितना हुआ है, 110 हुआ है, ठीक है, टोटल 110। उसके बाद फर्स्ट वॉन जो किया, वॉन मतलब कि विनिंग किया जो मतलब जीता है फर्स्ट में, 50 बार जीता है फर्स्ट बैटिंग करते हुए, और टू एंड में मतलब सेकंड बैटिंग करते हुए मैच जो है कि 60 बार टीम यहां पर जीता है, 10 बार का फर्क है। स्कोरिंग पैटर्न मतलब स्कोरिंग पैटर्न समझिए, कितना कब कब बना है कितना, ठीक है ना, कब कितना रन कब बना, ये मतलब कह सकते हैं इसको। तो देखिए बिटवीन सॉरी बेलो स्कोर 126 बार बना, मतलब बेलो का मतलब कि 150 से नीचे, ठीक ना, 150 से नीचे यहाँ पर 26 बार बना है, ठीक है। उसके बाद बिटवीन 150 से 170 मान लीजिए, 69 लिखे हम 70 मान ले, तो उसके बाद ये भी 26 बार बना है, ठीक है। तो मतलब 170 से ऊपर मतलब यहाँ पर सॉरी 170 से ऊपर नहीं उसको बोलेंगे, ठीक है, मतलब इसके बीच में बोलेंगे 150 से 170 के बीच में, इतना ही एग्जैक्ट, ठीक ना। उसके बाद बिटवीन 170 से 189 34 बार बना है, मतलब 170 से 89 भी 34 बार बन चुका है, रन भी अच्छा खासा यहाँ पर बना है। अब 190 से ऊपर 24 बार बना है, तो हम अगर देखें मिला जुला करके इसको अगर ऊपर करके, तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि 26 बार ही सिर्फ 150 से नीचे बना है 110 बार में, बाकी टोटल जो है कि 150 से ऊपर इतना बार रन बन चुका है, ठीक है। इसमें कितना कब कब ये चीज़ आपको देख ही पा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार अगर 150 से नीचे 26 बना है तो यहाँ 190 से ऊपर भी 24 बार बन चुका है, इसीलिए यहाँ पर पिच क्या हुआ सपोर्ट बैटिंग को कर रही है। मगर जब आदमी हाथी पर बैठा हो दिन खराब हो तो क्या होता है, कुत्ता भी वहां चढ़ के काट लेता है, तो ये सब कुत्ता ही काटा है यहाँ पर, समझे, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। बाकी आप देख ही सकते हैं किस टाइप का पिच यहाँ पर परफॉर्म कर रही है, ओके। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और रिसेंट मैच एट वेन्यू मतलब यहाँ पर रिसेंट मैच जो वेन्यू पे हुआ है ना कैसा हुआ, उसका परफॉर्मेंस क्या रहा है, अगर पता है तो इस चीज को स्किप कीजिए, नहीं पता तो समझिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए 12 मई को ये मैच हुआ है, MI वर्सेस GT का मैच है, ठीक है। 218 रन MI यहाँ पर बनाई है फर्स्ट बैटिंग करते हुए, ठीक है ना, ये फर्स्ट बैटिंग की है और 5 विकेट गवाई 20 ओवर में। उसके बाद GT जवाब देने आया, क्या किया, सेकंड बैटिंग किया ये, ठीक है, 191 रन बनाया, 8 विकेट गवाया 20 ओवर में, मतलब GT यहाँ पर हारी है मैच को, ठीक है, लॉस की है और 218 बना दिया MI का जो कि होम ग्राउंड भी है ये, ठीक है। और फर्स्ट में पेसर जो है कि 1 विकेट ले गया, स्पिनर 4 विकेट ले गया। अब इसमें फर्स्ट सेकेंड क्या होता है, कुछ लोग समझते हैं, जो लोग पुराने हैं जो लोग नए हैं इस चीज़ों को समझिए। देखिए MI अगर बामाले जैसे कर रही है यहाँ पर फर्स्ट, तो ये बैटिंग कर रही है, ठीक है, इसको बॉलिंग कौन कराएगा भाई, GT कराएगा, तो ये यहाँ से GT बन के यहाँ आ गया, ठीक है, समझने के लिए मैं बना रहा हूँ, बन के आने वाला बात अलग है। यहाँ से GT आया यहाँ पर, तो ये GT क्या है, बॉलिंग करा रही है, तो MI का टोटल कितना विकेट गिरा, 5, तो इसका 4-1-5 विकेट, तो MI किसके सामने झुक रही है भाई, तो देख सकते हैं किसके, स्पिनर के सामने MI झुक रही है, ठीक है, स्पिनर का 4 विकेट, तो पेसर इसमें 1 विकेट ले गया, ठीक है इनका। अब समझेंगे हम लोग आगे कि स्पिनर कौन स्पिनर ले गया इतना विकेट और कौन पेसर ले गया इतना विकेट, मतलब किस टाइप का स्पिनर और किस टाइप का पेसर, ठीक ना। और इसके बाद अगर टू एंड में बात करें
मतलब सेकेंड इनिंग जो बॉलिंग करने आई, मान लीजिए जब ई मान लीजिए क्या बोलते हैं गुजरात बैटिंग करने आ गए, ठीक है, तो गुजरात को बॉलिंग कौन कराएगा, मुंबई कराएगा बॉलिंग, ये है ठीक ना। तो ये जब बॉलिंग कराती है तो इसका बॉलिंग देखिए यहाँ पर आ गया बॉलिंग कराने के लिए, तो चार पेसर चार ही स्पिनर, ठीक ना। मुंबई के मतलब जो है कि चार पेसर विकेट लिए, चार स्पिनर लिए, तभी यहाँ पर आठ विकेट गुजरात का गिरा। तो मिला जुला के एक मैच से हमको सीख ये मिलती है कि यहाँ पर थोड़ा सा स्पिनर विकेट ले रहे ज़्यादा, क्योंकि अगर दोनों पारी का मिला के देखें हम तो यहाँ पर पांच विकेट पेसर का है तो आठ विकेट स्पिनर का, एक पारी का, ठीक है, सॉरी एक मैच का मतलब ये। अब उसी टाइप से इन सबको थोड़ा सा स्पीड करते हैं, ठीक है। तो ये है आर आर वर्सेस एम आई का मैच, 212 रन है, सात विकेट गिरा 20 ओवर में, 214 रन बनाया जवाब देते हुए एम आई, चार विकेट गवाया, 19.3 ओवर में मैच को जीत लिया। फर्स्ट पेसर में पांच तो स्पिनर दो, टू एंड पेस में दो तो स्पिनर भी दो यहाँ पर लेकर गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी एमआई को मैच जीत रही है, यहाँ पर भी एमआई को मैच जीत रही है, ठीक है, एमआई मतलब जीता मैच। आरसीबी वर्सेस एमआई, 199 रन बनाया आरसीबी, 6 विकेट गवाया 20 ओवर में, उसके बाद 200 रन एमआई बना करके 4 विकेट गवा कर 16.3 ओवर में मैच को जीत लिया। पेसर फर्स्ट हेट ने 5, स्पिनर 1, टू एंड पेसर 2, स्पिनर 2, ठीक है। एक और मैच देख लेते हैं, यहाँ पर पीवी गेस वर्सेस एमआई का मैच है, देख सकते हैं पंजाब 214 रन बनाया 8 विकेट गवाया 20 ओवर में, उसके बाद एमआई 201 रन बनाई 6 विकेट गवाई 20 ओवर में, ठीक है। पेसर 5 स्पिनर 2, सेकंड में पेसर 5 स्पिनर 1। अब अगर देखें इस मैच को सिर्फ अगर स्पिनर को छोड़ दें तो बाकी और जगह आप देखेंगे तो स्पिनर उतना हावी नहीं हुए, ज़्यादातर पेसर ही निकल के हार, ठीक है। तो पिच दोनों साइड से बिहेव करती है, अपन कोई जरूरी नहीं है कि स्पिनर इसमें खाली स्पिनर से चलेगा। अब कौन कौन है उसमें, कौन पेसर है और कौन स्पिनर है जो यहाँ पर विकेट ले रहा है, इसको हम लोग आगे जानते हैं। बाकी इतना आप समझ गए होंगे, ये तीन मैचों से किसमें एमआई जो है कि तीन बार जीती है, एक बार आरआर से भी जीती, एक बार जीटी से भी जीती, जो कि जीटी का गेंदबाज सबसे खतरनाक है, इसीलिए टॉप में राज कर रहा है अभी जीटी, ठीक है। देखे होंगे वो गेंदबाज के ऊपर, बाकी बैट्समैन उतना धांसूस में नहीं है, ठीक है। एक हाथ अगर छोड़ दिया जाए तो आरसीबी के साथ भी मैच हुआ, इसमें भी देख सकते हैं एमआई जीत ही गया, 16 ओवर मार मुड़ के अंदर बराबर कर दिया, सब में देख सकते हैं बहुत, इसमें तो 19 ओवर इसमें हालांकि 20 ओवर पूरा खेला है, तो कह सकते हैं एमआई का होम ग्राउंड है तो उसको मतलब प्रॉफिट भी मिल रहा है। तीन मैच में सिर्फ एक मैच यही वाला हारा, वो भी 201 रन मार ही दिया था, अच्छा बस 13 रन से मतलब हारा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट एक ठो ले लीजिए आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए जो मैं बात कर रहा था कौन पेसर और कौन स्पिनर विकेट ले रहा है यहाँ पर, तो लास्ट हम 6 मैच का कंपेयर करेंगे, एक आध मैच का नहीं कर रहे, कितना 6 मैच का हम कर रहे हैं, ठीक ना। लास्ट 6 मैच बॉलर्स विकेट्स ऑन पिच, लास्ट 6 मैच में कितने बॉलर कौन विकेट ले गया है देखते हैं, ठीक है। राइट आर्म फास्ट 3 विकेट सिर्फ ले गया, ठीक है। राइट आर्म फास्ट मीडियम 11 विकेट ले गया। अब ये राइट आर्म फास्ट मीडियम ये सब क्या है, ये सब जो मैं बॉलर अभी दिखाऊंगा ना आपको नागे ना, जिसका स्टेटस बताऊंगा एक एक लोग का, उसके सामने ये चीज लिखा रहेगा, ठीक ना, याद रखिएगा ये चीज लिखा रहेगा, समझिएगा कौन ज्यादा ले गया। लेफ्ट आर्म फास्ट और लेफ्ट आर्म फास्ट, देखिए लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम और लेफ्ट आर्म फास्ट 16 विकेट यहाँ पर लेके गया है, ठीक है। राइट आर्म मीडियम 8 विकेट ले गया। उसके बाद अगर बात करें तो लेग ब्रेक का भी 18 विकेट है और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स का भी 9 विकेट है, बाकी ये 4 विकेट, मतलब ज्यादा मोस्टली देखने का कौन है भाई, तो 16 है, 18 है, उसके बाद ये 11 है, मतलब सब मिला जुला के ही विकेट लेके गया मेरे हिसाब से, मगर फिर भी हम इन दोनों को ज्यादा देखेंगे। उसके बाद कौन है, फिर ये अपना आ गया, ठीक है। तो इन सबको देखेंगे, इसमें से कौन तगड़ा कौन मजबूत दिखाई दे रहा, बॉलर भी दिखाई दे रहा ना, कितना विकेट उसका हिसाब से लिया है वो। अब मान लीजिए हमको तो लग रहा राइट आर्म फास्ट मीडियम, ठीक ना, समझ में आ गया, तो उसका परफॉर्मेंस भी तो देखेंगे ना, किस टाइप का राइट आर्म फास्ट मीडियम, सबको थोड़े ले लेंगे हम, आज यहाँ कितना विकेट लिया, कल कितना लिया था, परसों कितना लिया, नरसों कितना लिया, अभी कितना लिया, पांच मैच करके हम पेयर उसमें भी करके तब जाके एक राइट आर्म फास्ट मीडियम को हम छाटेंगे, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, ओके। ये देखिए ये है पूरा ग्राउंड का डायमेंशन, अरे साला मेन टाइम पे चलता नहीं है, मूड खराब हो जाता है ना, ये देख सकते हैं। ये है डायमेंशन 72 मीटर इसी साइड 72, यहाँ पर भी 70 60, कैसे करके इसका डायमेंशन है अपना वानखेड़े स्टेडियम का, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें आगे और चले तो बढ़ते क्रम अपना मतलब कह सकते हैं बढ़ते कदम भी रुके नहीं, मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, इन दोनों के बीच अगर बात करें हेड टू हेड मैच टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ है कितना 20 मैच हुआ, ठीक है। मुंबई 11 बार जीता है तो हैदराबाद 9 बार जीता है, तीन बार का ही शायद फर्क है, तीन बार का दो बार का फर्क है, हम तो 12 जोड़ लिए, दो बार का ही सिर्फ फर्क है, ठीक है। उसके बाद रिसेंट परफॉर्मेंस देखते हैं क्या है, दोनों हार हार के आ रहा है, ठीक है ना, दोनों जो है कि हार के आ रहा है, मगर हाँ मुंबई क्या है, विनर विनर फिर लॉस है फिर विनर, मतलब पांच बार में अगर बात करें तो तीन बार विन किया है मुंबई, ठीक है। अब हैदराबाद की बात करें तो चार बार में एक बार सिर्फ विन किया है
हैदराबाद, तो मजबूती समझ में आता होगा किससे है, मगर यहाँ पर मजबूती थोड़ा सा डाउन हो जाता है देख करके, ये चीज़ यार गड़बड़ ना मामला हो जाए, है ना। चलिए खैर आगे देखते हैं प्लेयर किस टाइप के इन दोनों में, बाकी तो यहाँ दिखाई दे रहा है सिर्फ दो बार का ही फर्क है, ज़्यादा नहीं है हेड टू हेड में। हेड टू हेड आमने सामने होता है भाई साहब, दोनों जब टकराती है टीम आपस में तब जैसा भी टकरा रही है, ठीक ना, उसको बोलते हैं हेड टू हेड। पॉसिबल प्लेइंग 11 मुंबई इंडियंस, पॉसिबल प्लेइंग, इसमें मतलब हो सकता है कुछ एक आध चेंज भी आ जाए, कोई भी किसको बैठा दे किसको ला दे कोई पता नहीं होता, ये सब टीम मैनेजमेंट और ये कैप्टन वगैरह मिलकर करते हैं, ठीक है, मगर फिर भी हम पॉसिबल दिखाते हैं आपको। देखिए कैप्टनसी रोहित शर्मा करेंगे अपना, क्योंकि हमेशा करते हैं। ईशान किशन अपना ये कीपिंग करेंगे, ठीक है। बाकी इनमें आप देख सकते हैं कौन अपना 1 2 3 4 5 ऐसा करके 6 यहाँ पर नंबर से आएंगे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसमें। उसके बाद हो सकता है इनका मर्जी होता है कि भैया इनको यहाँ भेज दे, इनको यहाँ खिला लें, या इनको यहाँ खिला लेंगे, यहाँ इनको यहाँ खिला लेंगे, तो ये इनकी मर्जी के ऊपर, मगर ज़्यादातर देखा गया इस टाइप से उतरते हैं लोग, जिसको बोलते हैं लोग बोलते हैं ना भैया बैटिंग लाइनअप बताइए कैसे कैसे आता है लोग, तो ऐसे ऐसे आता है लोग, ठीक ना। उसके बाद अगर आगे बात करें तो चलते हैं, देखिए आप समझिए यहाँ से सारे स्टेटस एक साथ में, ठीक ना, ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत खतरनाक लोग का भाई टेलीग्राम आ रहा है भाई, ये सब साले सब प्राइम वाले, इसीलिए मैं ज्वाइन कर रखा हूँ भाई, देखता हूँ कितने लोग प्राइम वाले कैसे कैसे बेचते हैं, हम भी एक बार कॉन्टेक्ट किए ठीक है, नाम तो शायद आप लोग देख ही लिए होंगे, काम कर रहे हो ना यार, हाँ काम कर रहा, नाम देख ही लिए किसका था, और नहीं भी देखे तो छोड़िए बात ही खत्म कीजिए, बहुत लोग बेचते हैं, हम भी कॉन्टेक्ट किए सर जी कैसे कैसे मिलेगा प्राइम टीम वगैरह बताइए, ये उनका व्हाट्सअप नंबर होता है, हाँ तो भेज दिए पूरा डिटेल, इतना में 5 दिन का रैंक बुक रहेगा, ये रहेगा, अरे सलाम मन किया कि लिखे कहाँ की तरफ, आपका यहाँ पर चल रहा है कार है कि 5 दिन का यहाँ बुक है यहाँ बुक है यहाँ बुक है, अरे यार मान लीजिए रोहित शर्मा है, चलिए एक मतलब मिसाल के तौर पे हम बोल रहे हैं रोहित शर्मा है, कल का होगा इसको पता है क्या, पता है इनको कल का होगा, ये क्रिकेट है भाई साहब, ठीक है, यहाँ कहाँ होता किसी को कुछ नहीं पता होता, बस एक हम लोग आइडिया और एक रिसर्च देख करके उसी के हिसाब से हम टीम बना के लेके चलते हैं, ठीक है, कि चलो भैया आज इनको लेके चलो, अगर ऐसा होता ना कि रैंक बुक कर लो 5 दिन का रैंक बुक है इतना इतना, अरे इतना मतलब कन्फर्म बोलते हैं सब कि ये 2 नंबर पर रैंक आएगी टीम, इसका 5,000 रुपये लगेगा, और ये आपका 4 नंबर पर आएगी, अंडर 5 में आएंगे आप, ये इसमें 2,000 रुपये लगेंगे, अरे मन से तो मतलब मुंह से निकलता है क्या चीज, मैं मतलब क्या ही बोलूं वीडियो में, ठीक ना, मैं फिर भी जो समझदार उसके लिए इशारा काफ़ी है कि इन सब चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, बोला मैं ना कि यहाँ पर भरोसा रखिए कि हमसे कुछ होगा, अगर यहाँ भरोसा नहीं है ना तो आज ही ये सब दुनियादारी छोड़ के पूरा जितना फैंटेसी दुनिया का एप्लीकेशन है सबको अनइंस्टॉल मार के टेंशन फ्री होकर जिंदा रहिए, ठीक है, जिंदगी जीना है तब सही से, नहीं तो इन सब में कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो इन सब चक्कर में मत पड़े, उसी का मैसेज अभी आ रहा था, हम भी ज्वाइन करके रखे हैं ना देखने के लिए कैसे कैसे चूना लगाया जाता है तो ऐसे चूना लगाते हैं लोग, रोहित शर्मा देखिए राइट हैंड बैट्समैन ही है। अब उसके बाद अगर बात करें दिस सीजन, मतलब दिस सीजन पूरा आईपीएल में इसमें क्या हुआ, 13 मैच खेले हैं ये, 257 रन है, जो कि बिल्कुल सूट नहीं कर रहा, मेरे को भी मज़ा नहीं आ रहा बताने में, ठीक ना, उसके बाद एवरेज 19 का रहा है, ये भी मूड खराब है बताने में, हेड टू हेड में 20 मैच खेले हैं 353 रन बनाए हैं, ठीक है, 20 का एवरेज हेड टू हेड भी है। अगर वेन्यू की बात करें तो 78 मैच खेल के 2,182 रन यहाँ पर बना है, 33 का यहाँ पर एवरेज है, ठीक है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 37-29-7-0-0। देखिए हम जीते चाहे हार उससे फर्क नहीं पड़ता हमको, ठीक है ना, रोज तो टीम लगाना चलता रहेगा, हार चाहे पार होता रहता है, मगर यार कल के मैच में रोहित शर्मा को चलना चाहिए, सच में मेरा दिल ही ख्वाहिश है कि भाई कम से कम देखे बंदे का शतक एक बार, अब क्यों, क्योंकि इनका शॉट्स मेरे को मजा आता है भाई, और कुछ नहीं है, हमको शॉट्स देख के मजा आता है भाई, क्या क्लासिकल शॉट रहता है, बस ये चीज है, ठीक है, एक बार चल मेरे भाई, मजा आएगा देख करके, अरे यार नाम मतलब है, ये तो बात है नाम ही काफी है रोहित शर्मा, मगर काम याद नहीं हो पा रहा उस टाइप का, ठीक है, तो इसके हिसाब से अपने को देखना पड़ेगा, मगर एक बार को हम टीम में कल लेके जाएंगे भाई, पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है कि इनको लेकर के चलना चाहिए एक बार को, ठीक है। ईशान किशन की बात करें और लेकर चलने का कारण भी देखिए मैं बता रहा हूँ यही चीज़ है कि 33 के इनका एवरेज भी ठीक ठाक है, इनका होम ग्राउंड भी है, प्लस मैच भी ऐसे होगा कि अब बड़े प्लेयर ही कुछ कर सकते हैं भाई, इनके ऊपर अब जिम्मेदारी आ चुकी है, टीम का कप्तान भी है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि जो बोल रहा है कि लेकर चल भैया लेकर चल, हाँ जो होगा देखा जाएगा साले को। ईशान किशन लेफ्ट हैंड बैटर है, ठीक है, यहाँ पर 3 मतलब चश्मा लगा लेकर यार दिखाई नहीं दे रहा है सही से हमको यार, 13 मैच है, ठीक है, 425 रन है, एवरेज कितना 32 का, हेड टू हेड में 10 मैच खेल के एवरेज 32 का यहाँ पर है, वेन्यू पे क्या है 24 का एवरेज है, ठीक है, उनसे कम ही एवरेज है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 59-31-42-7-75, मतलब अपने टीम के लिए कह सकते हैं कंसिस्टेंट बंदा लगा हुआ है ना,
अपने टीम में पूरे दम से। चलिए आगे अगर चले यहाँ पर तो देख सकते हैं सूर्य कुमार यादव, ओ यादव जी 13 मैच है 486 रन है, ठीक है, एवरेज 40 का है, हेड टू हेड मगर एवरेज खराब दिख रहा है 25 का है, ठीक है, वेन्यू पे 37 का एवरेज, रिसेंट परफॉर्मेंस में 7 अगली बार नहीं लिए थे बेचारे को हम, अच्छा मतलब कह सकते हैं मेरा वो था निर्णय कि भाई मत ले, है ना। 103 नबाद है, 83 है, 26 है, 66 है। देखिए इनको अगर लेना है तो पहले आपको बॉलर देखना पड़ेगा, इनको कौन बॉलर आउट करता है, ठीक ना, वो चीज़ चलिए आगे दिखाते हैं। बाकी तो हम लोग देख लें यहाँ पर किस टाइप का बॉलर लेते हैं विकेट, मगर ये भी देखना पड़ेगा जिसको बोलते हैं प्लेयर बैटल, ठीक है। आगे देखते हैं अगर लगता है सूटेबल कि नहीं, चलो भाई ठीक है, ज़्यादा नहीं आउट किया तो टिक मारेंगे, ज़्यादा आउट किया तो एक बार को छोड़ भी सकते हैं। ओके, निहाल वडेरा की बात करें यहाँ पर, हालांकि T20 के एकदम स्पेशल बल्लेबाज, इसमें कोई शक नहीं है, मगर स्पेशलिटी यहाँ पर भी दिखाना चाहिए था मगर नहीं दिखा पाया, ठीक है, वो चीज़ें होती है। बाकी इधर भी बहुत बार फ्लॉप हुई थी, अब तो यहाँ से थोड़ा सा रफ्तार बना है, ठीक ना। निहाल वडेरा की बात करें तो 11-214 एवरेज 30 का, हेड टू हेड में 1 मैच खेले, कोई नहीं है रिकॉर्ड वगैरह, मगर वेन्यू पे 4 मैच खेल के 24 का एवरेज है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें रिसेंट परफॉर्मेंस में 16-15-52 नबाद है, 64 है, और यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। देखिए यहाँ पर भी इनका भी ठीक ठाक है, बाकी यहाँ से गड़बड़ा है। देखिए सूर्या के लिए मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ये GL के लिए आपको इम्पोर्टेंट रहेंगे, ये चाहे आपके इधर चाहे तो इधर, ठीक है, इधर उधर गिराने का क्षमता सूर्या में है, इसलिए मैं इनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा बात कर रहा हूँ, T20 के स्पेशल बल्लेबाज भी। ओके, अगर देखते हैं उस टाइप का होता है तो ठीक है, नहीं तो दो टीम बनाएंगे क्या करेंगे, मजबूरी है भाई साहब, एक में लेंगे एक में छोड़ देंगे सूर्या को, क्योंकि सूर्या एक मैं समझता हूँ जहाँ तक फिलिप साल्ट हो गए और कौन है बहुत इस टाइप के जो खिलाड़ी है कि नाम था मेरे को याद आ रहा, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, जो 3-4 खिलाड़ी है जो मतलब आओ जाओ वाला काम है इनका, ठीक है, चले तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस आड़ा टेढ़ा शॉट मारने वाला इंसान, तो इसीलिए देखना बहुत जरूरी है बॉलर किस टाइप का है अपोजिट में, ठीक है, उसके बाद से समझ में आने वाला, जो सीधा मारता है उसके अंदर भाई अलग बात है कि चलो आया बना चला नहीं चला वो बात की बात है, मगर जो टेढ़ा मेढ़ा मारता है उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। टीम डेविड, ठीक है, 13 मैच खेले हैं, 216 रन है, एवरेज 30 का है, हेड टू हेड में 31 का है, वेन्यू पे 45 का एवरेज है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 32 नबाद, 5-0-2-19 नबाद। देखिए टीम डेविड लास्ट मैच जिता देता अगर इनको स्ट्राइक पे रहते था, वह स्ट्राइक में कोई और था याद नहीं आ रहा मेरे को, बॉलर था शायद ना वो था, इसलिए जीत नहीं पाई, बहुत खतरनाक लास्ट। देखिए अगर इनकी टीम सेकंड बैटिंग कर रही है, ठीक है ना, चेस कर रही है, तब तो टीम डेविड को छोड़िएगा मत, बहुत मतलब अग्रेशन कर सकते हैं ज़्यादा आ जाता है बंदे में, ठीक है। कैमरन ग्रीन भाई 13-6 विकेट लिए हैं, ठीक है, 281 रन है इनका, हेड टू हेड में 64 रन बनाया, ठीक ना, एक ही मैच में, और विकेट भी एक ठू लिए थे साथ में। वेन्यू पे 6 मैच खेले, 129 रन है और 4 विकेट लिए, रिसेंट परफॉर्मेंस में 4 नबाद पे 0 है, 3 नबाद पे 0 है, 2 नबाद पे 1 है, फिर 6 पे 0 है, 23 पे 0 है। कैमरन ग्रीन मतलब जो परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ था इनका वो तो खत्म ही हो गया, पता ना कहाँ छुप गया, पता ही नहीं चल रहा है, अब इनको शायद देर भेज रहे इसलिए क्या ऐसा समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि आगे वाला बल्लेबाज ही ज़्यादा काम धाम करके निकल ले रहा है, इनका नंबर ही बहुत लेट से आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है ना, इसलिए तो यहाँ पर नबाद दिख रहा है ना, 2-3 बार 4 बार, ठीक है। तो अगर आप आगे वाले को ड्रॉप करते हो तो ठीक है, नहीं तो आप अगर इनको बॉलर के तौर पर लेके जा रहे हैं तो फिर अच्छा है भाई, राइट आर्म मीडियम ही बॉलर, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो देख सकते हैं क्या है, क्रिस जॉर्डन राइट आर्म फास्ट मीडियम है, ओके। उसके बाद 3 मैच है, 11 का इकोनमी है, 1 विकेट मतलब 3 मैच में लिए हैं, हेड टू हेड में 3 मैच में 6 विकेट है, यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ कुछ है बनने में, है ना। वेन्यू की बात करें 4 मैच में 1 विकेट है, यहाँ पर फिर डाउन हो गया साला। 10 का इकोनमी भी 10.5 का बड़ा हाई प्रोफाइल, मतलब 1 ओवर में 10 रन, रिसेंट परफॉर्मेंस में 0-0-1-1-0, हर बार तो 0-0 जा रहे हैं 2 बार से, मगर क्रिस जॉर्डन है, इनको बहुत सारे लोग ड्रॉप भी करने वाले हैं, राइट आर्म फास्ट मीडियम भी है, यहाँ पर शायद वेन्यू पर यही सूट भी कर रहा है राइट आर्म फास्ट मीडियम, तो एक बार को चांस तो लेना पड़ेगा बॉस, अगर GL में है तब, SL में है तो खुशी से छोड़ी, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऋतिक शोकैन आर ओ भी है, ठीक है। उसके बाद 7 मैच है, 3 विकेट लिए हैं, 9.5 का इकोनॉमी हेड टू हेड में, 12 का इकोनॉमी हेड टू हेड में, 1 मैच में 1 विकेट नहीं, मतलब बहुत धुन के मारता है सब, ठीक है, इसको बोलते हैं धुन के मारना, 1 ओवर 12 रन देना, ठीक है, और विकेट भी नहीं है। वेन्यू पे 6 मैच खेल के 2 विकेट है, ठीक है, 7.5-8 का इकोनॉमी है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 0-0-0-2-1, मतलब 2 बार यहाँ कुछ है, बाकी इधर में सब 0-0 चल के आ रहा है, और परफॉर्मेंस देख ही सकते हैं 6 मैच में सिर्फ 2 विकेट यहाँ पर लिए हैं इस वेन्यू पे, अच्छा खासा इनका नहीं चल रहा वेन्यू पे, ठीक है। पीयूष चावला लेग ब्रेक है जिसका मैं बात कर रहा था, ओके, कि भाई 13 मैच खेल के 20 विकेट है, अच्छा है,
और हेड टू हेड में 16 मैच खेल के 12 विकेट है। वेन्यू पे भी देख सकते हैं 15 मैच खेल के 12 विकेट है। 7.5 का इकोनॉमी है, ठीक है, 10 तो नहीं है ना, 10 12 तो नहीं है ना भाई कि 12 रन प्रति ओवर दे रहे हैं, 7.5-8 रन दे रहे हैं। रिसेंट परफॉर्मेंस 1-2-0-2-2 कंसिस्टेंट है बंदा, सिर्फ एक बार ड्रॉप हुआ है, ठीक है। और इस बार तो ले एक बार का थोड़ा चांस भी है तो बनता है, ओके, पार्टी तो बनती है ना। अब इसी बात पे पार्टी का जब नाम आ गया यार तो अब अनाउंसमेंट एक कर ही देते हैं। 28 तारीख को गुजरात आ रहा है भाई, ठीक है, क्या है, 28 तारीख को गुजरात आ रहे हैं और अनाउंसमेंट ये है कि गुजरात में आपको भी आना है। जो गुजराती हो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे जो हो जाए उनसे, ठीक ना, मगर अदर भी आ सकते हैं। अब इसमें कंडीशन ये रखा हुआ है कि जो भी भाई लोग अगर आते हैं, मान लीजिए वहाँ पर जो भी हमसे पहला 10 बंदा मिलता है तो उसमें जो भी टिकट का खर्चा होगा, उनका स्टेडियम का टिकट का खर्चा, मैं उनको पेड कर दूंगा, ठीक है। उसी समय हैंड टू हैंड जो पेटीएम फोन पे जो लेना है, सामने हम रहेंगे, सामने दे के आएंगे उनको, ठीक ना। ये सब कुचर पुचर काम नहीं है, मतलब 10 बंदे को, ज़्यादा तो एफर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है यार कहीं 5,000-7,000 टिकट हो, लास्ट फाइनल है तो भाई उतना, अगर 5,000 भी हो तो 10 बंदे 50,000 है ना, तो इतना तो भाई कमाई भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये मतलब ज़्यादा नहीं, हम 50,000-70,000 का टारगेट बना के रखे हैं, ठीक है, इतना के बीच में हम वहाँ पर जो टिकट वाले होंगे 10 लोग उनको बांट देंगे, बाकी जो पैसा कौड़ी होगा अपना खाना पीने में हम लोग वहाँ पर लगाएंगे। मतलब 1,00,000 का टारगेट कर सकते हैं अपना, आप लोग के लिए सेट रखे हैं हम बस, ओके। तो जरूर मिलिए कहाँ पर, गुजरात में 28 तारीख को फाइनल स्टेडियम, ठीक है, स्टेडियम में मिलिए आप लोग, ओके। चलिए यहाँ पर अगर आगे बात करें तो देख सकते हैं ये कौन है, आकाश, आकाश है भाई राइट आर्म मीडियम, देख सकते हैं यहाँ पर मैच है 4 और इकोनॉमी जो है कि 8 का है, ठीक है। हेड टू हेड में कुछ भी नहीं है, वेन्यू पे भी 2 मैच खेले हैं, विकेट है 3, उसके बाद रिसेंट परफॉर्मेंस में क्या है, 0-3-0-1-0 है, ठीक है। उसके बाद अगर आगे चले, समझ गए ना, 28 तारीख कहाँ मिला है ना, गुजरात नरेंद्र मोदी अहमदाबाद स्टेडियम, ओके, वहीं पर मिलते हैं, होगा चिल पार्टी आराम से, ठीक है। चलिए जॉसन होल्डर की बात करें तो लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है और यहाँ पर 9 विकेट है, 9 मैच है, ठीक है, 14 विकेट है साथ में, हेड टू हेड में 2 मैच है, 3 विकेट है, और वेन्यू पे 8 मैच खेल के 10 विकेट ले गए हैं, इन्हीं के लिए लग रहा है अच्छा खासा वेन्यू बना के रखा हुआ है ना। 9.5 का इकोनॉमी तो है, ठीक ठाक, मतलब रन दे रहे हैं अच्छे से, मगर ले भी रहे हैं अच्छे से, है ना। रिसेंट परफॉर्मेंस 2-1-3-1-1 कंसिस्टेंट है बंदा, कहीं पर भी फॉलो नहीं हुआ है, ओके। अब आगे अगर बात की जाए, देख सकते हैं बेंच प्लेयर है इसमें, आपको इम्पैक्ट प्लेयर ये है, ठीक है, ये है इम्पैक्ट प्लेयर जो कि टीम इनको खिलाएगी, इसमें ज़्यादा नहीं खिलाती है, मगर हाँ इतना है कि कार्तिक को हो सकता है ले, और नहीं तो यहाँ पर किसको ले गए यार, विष्णु विनोद को समझ में नहीं आया, मेरे को भी नहीं कंफर्म हो पा रहा किसको लेकर के आएगा चलिए देखता हूँ। तिलक वर्मा भी यहाँ पर बेंच पे बैठे हुए हैं, हालांकि अच्छा खासा परफॉर्मेंस अपने टीम के लिए स्टार्टिंग में किए थे, तो देखता हूँ किसको लेकर के आता है, मगर एक आध चेंजिंग तो हो सकता है, नहीं हो तो फिर इसी में चलेगा, ठीक है। स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर, अब देखिए इनके टीम से कौन स्टार्ट करता है कौन डेथ करता है, ये चीज़ें समझनी जरूरी है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बता दिए भैया राइट आर्म फास्ट मीडियम चल रहे, बटोर साले को राइट आर्म फास्ट मीडियम जितना है ना, लेग ब्रेक बटोर और लेग ब्रेक कितना है, नहीं बहुत सारे चीज़ों को देख करके तब जाकर लिया जाता है टीम, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम लेते हैं जैसन बेंडरोफ, ठीक है, और कैमरन ग्रीन और पीयूष चावला, ये हमारा स्टार्ट कर रहे हैं लोग, ठीक ना, मतलब पावर प्ले में विकेट डाल रहे हैं, ये सॉरी बॉलिंग डाल रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद क्या है, आकाश माधवन और कैमरन ग्रीन क्रिस जोर्डन, ये इंड कर रहे हैं। तो देखिए इंड के बॉलर मेरे हिसाब से ज़्यादा खतरनाक होते हैं इनके मुकाबले, पावर प्ले के मुकाबले, ठीक है। हाँ ये है कि पावर प्ले में अगर कोई अच्छा बॉलर हो तो ठीक ठाक, जैसे बेरेंड्रॉफ अच्छा खासा है विकेट निकाल के लेके जा रहे हैं, तो ये अच्छा खासा निकल सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद कैमरन ग्रीन, ये सॉरी पीयूष चावला को भी डाल रहा है, सब बड़ा खतरनाक मुंबई का टीम हो गया यार, समझ में नहीं आ रहा, दिमागे नहीं काम कर रहे ना किसको छोड़े किसको ले, साला इधर आकाश मंडावल कैमरन ग्रीन, हालांकि इनको इंड के लिए सोचना पड़ेगा, अगली बार भी हम लोग देखे थे इंड का बॉलर ही इनको जो है कि हरवाया था, ठीक ना। इंड के बॉलर उतना तगड़े इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, और इंड में बहुत ज़्यादा रन पिटाई होता है, हो सकता है ये चेंजिंग भी हो, ठीक है, जो मैं दिखा रहा हूँ हो सकता है इसमें चेंजिंग हो, जोसन बेंड्रॉफ को हो सकता है लास्ट ले, हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है, तो इसके हिसाब से देखना पड़ेगा अपने को, है ना, टीम जब बनाएंगे तब। मगर फिर भी इनके ऊपर लेके जाएंगे तो इसमें कैमरन ग्रीन और क्रिस जोर्डन, दो चीज़ तो मेरे को सॉलिड दिखाई दे रहा है, बाकी आकाश मरवाल अगर इनके टीम पहले मतलब बैटिंग कर ले तो उसके बाद सेकेंड बॉलिंग कर दिए तो एक बार को ट्राई करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लेयर बैटल, मतलब कौन किसको आउट कर रहा है, ये चीज़ भी समझने की बहुत मतलब जरूरत है, कह सकते हैं, ठीक है। देखिए रोहित शर्मा
इनको कौन कौन आउट करता है? नटराजन 9 बॉल फेंक के 17 रन देकर के एक बार आउट करते हैं, ठीक है। ईशान किशन को कौन कौन कर रहा है? त्यागी है और जसन, ठीक है, जो कि जसन फर्स्ट में करते हैं ना, बोला मैंने कि स्टार्टिंग में मतलब पावर प्ले में कर रहे थे। देखिए जसन है ना क्या करने वाले बॉलिंग, तो जसन इनको आउट भी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कौन है? सूर्य कुमार यादव को, इनको भी जसन आउट करते हैं, 3 बॉल फेंक के 7 रन देकर के एक विकेट है, ठीक है। कैमरन ग्रीन को देख सकते हैं यहाँ पर, भुवनेश्वर कुमार 16 बॉल फेंक करके 20 रन देकर के एक बार, ठीक है। सॉरी भुवनेश्वर कुमार नहीं है यार गलती से नाम याद आया था कहीं ना कहाँ से, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे अगर बात करें तो देख सकते हैं ये छोटा डिपॉजिट मेगा विन, मतलब अच्छा खासा विनिंग, कब आप लोग कहीं नहीं दे पा रहे हैं यार स्क्रीनशॉट, हमको समझ में नहीं आ रहा। आता है स्क्रीनशॉट मगर जितना लोग का चाहिए मेरे को उतना लोग का नहीं आ पाता, मेरे को बहुत उस समय दुख लगता है जब बता रहे हैं कि हाँ भैया बल्लेबाजी में रोज़ आप विनिंग कर सकते हैं, और कोई ऐसा फैंटेसी एप्लीकेशन नहीं है जिसमें आप रोज़ विनिंग कर लें, ठीक है। इसमें आप रोज़ का विनिंग कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसमें देखिए मेगा लीग आपको 39 का मेगा लीग फ्री मिल रहा है, आप डिपॉजिट करिए 1000 रुपये पर से, ठीक है। और इसमें देख सकते हैं यहाँ पर 100% कैश बैक भी मिल रहा है डेली लक्की यूजर को, तो ये सब चीज़ें हैं बल्लेबाजी में, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं तो यहीं खेल करके अच्छा खासा विनिंग प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, ठीक है। आप भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में भी है, क्लिक कीजिए डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके 4 दिन 10 दिन खेलिए, इसका समझ में आ जाएगा क्या है ये चीज़, ठीक है। मगर मेरा मानना ये है कि आप अगर डाउनलोड कर लिए तो फिर हटाएंगे नहीं, जब मैं एक बार डाउनलोड कर लिया हूँ तो फिर हटाने का नाम ही नहीं लिया कि भाई हटाऊँ कि ना हटाऊँ इसको, ठीक है। इतना मतलब कह सकते हैं इसमें इतना जीतने का चांसेस है ना कि जितना और किसी एप्लीकेशन में नहीं होता, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले तो प्रिडिक्टर है आपके लिए, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, मुंबई विल विन द मैच अगेंस्ट हैदराबाद, जीतेगी कि नहीं जीतेगी, कौन जीतेगा बताइए? यस जीतेगी, नो नहीं जीतेगी, इतना में आप लगा रहे हैं, ठीक है। इसका क्या होता है ना, प्राइज आप लगा सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं प्राइज अपना सेलेक्ट भी कर सकते हैं जितना चाहे उतना। उसके बाद क्वांटिटी भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटी जिसको बोलते हैं मतलब कि एक लेना है कि दो लेना है, तीन लेना है, जैसे लीग हम लगाते हैं ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 लीग हम लगा सकते हैं, टीम ज्वाइन कर सकते हैं, उसी इसमें क्वांटिटी होता है, ठीक है। मतलब जितना भी आप चाहे इसमें लगा के खेल सकते हैं। अब इसका ये सिस्टम, इसका लोग बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, सिस्टम ये है कि जैसे जैसे ये चल रहा है आपका, हाँ यहाँ पर आपको दिखाता रहेगा पैसा कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। अगर आपको लगता है कि हाँ ज़्यादा हो रहा है तुरंत मारिए सेल, ठीक है। इसमें छोड़ना नहीं है लगा के, सिर्फ उसको देखते रहना, ज़्यादा हो रहा है सेल करिए, कम है तो अभी रखे रहिए। आपको लगता है कि हाँ ज़्यादा हो जाएगा तो हम उस समय बेचेंगे। जैसे मान लीजिए अभी सब लोग किए हैं ना, क्या है मुंबई के लिए सब लोग किए हैं, कितना किए देखिए, सही से आप समझा, जब समझा आइए सही से हो जाए, ठीक है। मुंबई के लिए 6 का लगा है, 6.5 का। अब अगर मैच चल रही है अब ऐसा मोड़ आता है जहाँ पर लगेगा नहीं 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 हैदराबाद अब जीतेगा भाई, ठीक है, तब उस समय इसका रेट बढ़ जाएगा, तब आपको उस समय सेल कर देना। ऐसे प्रोडक्टर पैसा कमाएंगे, हर चीज़ के लिए आपसे इसमें प्रोडक्टर जो है कि पूछेगा सवाल, ठीक है। इस ओवर में कितना रन बनेगा, इतना ये होगा, इतना वो होगा, इसमें आदमी पैसा कमाता है, इसमें भी हम लोग भी कमाते हैं, यही तो बोल रहे हैं बल्लेबाजी में खासियत ही है, ठीक है। दूसरा खासियत क्या है, बैटिंग में 5 सिर्फ यहाँ पर आप खिलाड़ी लेकर के जीत सकते हैं, ठीक है। इसमें बॉलिंग में भी 5 लेंगे, 2 इनिंग में तो फ्री टीम बनेगी आपकी, तो इस इतना सारा प्रॉफिट है। प्लस में यहाँ पर देखिए 39 रुपये में 16,999 का 5 लाख का लीग है, देख सकते हैं इसमें 16,999 लोग किस सिर्फ खेलेंगे, नहीं खेलना, हम कर 1 करोड़ लोगों के साथ नहीं खेल रहे भाई, सिर्फ इतने लोग में काम हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद 1 लाख का है यहाँ पर, फिर ये देखिए मेरे को सबसे अच्छा अगर लगता है लीग तो ये वाला 5175। दुनियादारी जाए भाड़ में, 100 टीम बनाने से कोई मतलब नहीं, छोटा 5000 लेके हम खुश रहेंगे, 5000 में ही जाता आराम से, दिन दिन भर का काम हो गया एक टीम बनाने से। जितना मेहनत करते हैं, इतना स्टेट्स लाना, ये वो पंचायत जो कर रहे हैं, कहाँ से आप लोग को जो 1 लाख 1.5 लाख दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं। आज जो हम आ रहे हैं अहमदाबाद में, यहाँ पर बोलने का 28 तारीख को मैं 1 लाख रुपये खर्चा करने आ रहा हूँ, ठीक है, 1 लाख, ये कहाँ से आ रहा है? 8 घंटा मतलब पसीना बहवा के नौकरी करके हम धूप में ला के 1 लाख रुपये कभी खर्चा कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। ये है अपना, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को अपने को कॉन्फिडेंस है भैया, आज चलो नहीं कल तो जीतेंगे ना, कहाँ जाएगा ये, ऐसे होता है, ठीक है। तो मेरा मानना है 5175 का खेलिए लीग, आराम से 10000 एक मैच में ले जाइए। कम है 2700 का खेलिए, 5000 ले जाइए। कम है और भी तो 1600 का खेलिए, 3000 लेके जाइए। अगर एक दिन में आप 3000 लेके जा रहे हैं तो महीने जोड़िए कितना होगा, 3000 लेके जाए महीने जोड़िए कितना हो गया, जोड़िए कितना हो गया पता है? अगर 10 दिन का जोड़े तो सीधे 3 दहा 30, 90000 कहाँ मिलेगा? सरकारी नौकरी फेल है फैंटेसी के आगे, ठीक है। जल्दी से बस डाउनलोड कीजिए और खेलना स्टार्ट करिए, जो कुछ नहीं समझ में आ रहा हम सब कुछ है बताने के लिए आपको, ओके। अब देखिए यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद, लोग जानते हैं ज़्यादातर फेल क्यों होते हैं, लोग एक नाव पे बस बैठे रहते हैं कि हमको बस ये करना है तो ये करना है, चलते रहो। देखिए कभी कभी अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज भी करना चाहिए, ठीक है। हो सकता है आप इधर नहीं निकल पा रही, इधर निकल जाए, होता है कि नहीं होता है भाई, ऐसा होता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में आजमा के देखा हुआ इस चीज़ को,
ठीक है, मैं कभी कहानी बताऊंगा अपना, बहुत खतरनाक बड़ा और बड़ा कहानी है भाई साहब, बहुत मतलब अजीब टाइप का मोड़ पे हम पहुंचे हुए थे, वहां से निकल के यहाँ तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है, मगर अपने आप में हम प्राउड करते हैं कि चल कम से कम अपना डिसीजन हम लिए कि नहीं अगर इधर नहीं हो रहा कुछ चलो यहाँ पर एक बार, ठीक है अगर यहाँ नहीं होता तो चलो यहाँ पर, चलो होना तो है कहीं पर भी, जब ठान लिए करेंगे तो करेंगे, है ना। इसलिए एक बार को आप लोग ट्राई करिए, मुड़ के भी देखिए कि हाँ भैया ये हो रहा, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। सिर्फ 49 में ही सीधे 2 करोड़ का सपना मत देखते रहिए, ठीक ना, क्योंकि ये 11 लोग का बात होती है भाई साहब। हो सकता है आप इसको लिए कल को ये नहीं काम किया तो आपका ये 11 हो, पूरा टनाटन चला, सब कुछ सही बर्बाद हो जाएंगे आप इसमें, ये चले गए तो ये रोज का काम नहीं है, ठीक ना। जो देखिए बात होती है हम खुल के बात करते हैं सामने, चोरों लोग को तरह नहीं कि मस्त ये कर लिए वो कर लिया, ऐसा नहीं। हाँ अगर आप SL खेल रहे हैं, SL जो मैं बताया आपको 5175 3000 का 4000 का, उसमें आप रोज रोज जीत सकते हो, उसमें नो डाउट कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। मगर मेगा ग्रैंड लीग में रोज का सपना नहीं देखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें राहुल, ठीक है, अभिषेक यहाँ पर फर्स्ट सेकंड कौन करने आ गए ये देख लीजिए, ठीक है ना। कैप्टनसी यहाँ पर माकरम करेंगे, हर्निक क्लासन यहाँ पर कीपिंग, बहुत खतरनाक बल्लेबाज कर सकते, सब हमें इतना जितना पंचायती सब दिखाई दे रहा है, सब में सबसे अच्छा ये है। पहले तो इनको 7वां नंबर पर यहाँ पर ला रहा था, अब लाजेश सर में सब 4 नंबर पर लेके आना स्टार्ट कर दिया, तो क्या ये बंदा अपने को जगह बनाया है तब यहाँ पर ला कर भेज रहा है सब, तो जगह अपना बनाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से उठ करके यहाँ कैसे आ गया, इसको यहाँ से उठा करके यहाँ लेकर के आ गए, ठीक है। तो ये जगह होता बहाना भाई साहब, ओके। चलिए देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये क्या है, राहुल त्रिपाठी राइट हैंड बैटर है, ठीक ना। इसमें देखिए मैच 13 खेला ये, 22 का एवरेज है, और हेड टू हेड में 25 का एवरेज है, वेन्यू पे 28 का एवरेज है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 15-1, 20-47, 20, मतलब एक भरोसा ही नहीं हमको जगता, पता ना कहाँ। एक नहीं होता है कि लोगों को भरोसा हो, जैसे हमारे ऊपर भरोसा है, भले लाख हम हरा दिए कल का मैच आपको हम, मगर तब वो लोग का भरोसा है भाई, वो भरोसा मेरे को इनके ऊपर नहीं जा सकता, पता ना क्यों। जरूर कल का 100 रन मार दें मगर हमको नहीं लगता कि ये मारेंगे, पता ना क्यों। और पता मान लीजिए रोहित शर्मा है, भरोसा एक जग रहा मेरा कि नहीं चल मारेगा, जरूर उतना आउट हुए बंदा वो, मगर फिर भी मेरे को लग रहा है कि हाँ मारेगा भाई, इस पर तो सपने नहीं आता मेरे को ना, छोटा जान दे, है ना। अब इसे शर्मा की बात आ गई भाई, तो देखिए यहाँ पर 226 रन है ना, 2 विकेट भी साथ में है, ठीक है। और हेड टू हेड में 7 मैच है, 72 रन है, 2 विकेट भी है। वेन्यू पे 5 मैच खेले, 119 रन है, मगर बॉलिंग का मतलब कह सकते हैं वो नहीं मिला, क्या बोल सकते हैं उसको, चांस नहीं। एक चीज़ और बोलते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब कैसे तो लगता है बड़ा अच्छा लगता है, बोल नहीं पा रहे अभी मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, मगर अच्छा लगता है, कभी बताएंगे क्या बोलते हैं उसको यार, सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। बॉलिंग का इनको सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ 5 मैच में इस वेन्यू पर, ठीक है। उसके बाद रिसेंट परफॉर्मेंस में 11-0 है, 5-0 है, 7-1 है, और 55-0 है, फिर 9 है। देखिए इनका हारने का यही कारण भी है कि इनके पास उस टाइप के बल्लेबाज नहीं है जो होने चाहिए, और है भी तो सही से खेल नहीं पाता, कभी खेलता है सब, कभी नहीं खेलता। अब जब कभी खेलेगा तो फैंटेसी में लेंगे हम, तो सही है, नहीं खेला कभी तो नहीं, खराब है, इस क्या करेंगे ऐसे लोगों को लेकर, बताइए क्या मतलब बनता है, किसको छोड़िए किसको लिया। मान लीजिए इसी को छोड़ेंगे राहुल त्रिपाठी को खेलना, तो हो सकता है 47 में बाम मार दे तो आप खत्म हो जाएंगे ऐसे, इसको बोलते हैं ग्रैंड लीग, ठीक है। और नहीं तो कल लेते हैं, कल अगर नहीं चला तब वो खत्म हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आती है ऐसे मतलब बैट्समैन को पिक करने में, ठीक है। एडम मार्करम इनको देखो भैया, नाम तो बहुत अच्छा खासा है, ठीक है। 235 रन भी है 12 मैचों में, 1 विकेट भी लिए हेड टू हेड में, 3 मैच खेले भी हैं, 66 रन है, ठीक है मार्करम है ये, ओके। विकेट 0 है यहाँ पर, वेन्यू पर 4 मैच खेल के 100 रन, वाह शाबाश, विकेट कुछ भी नहीं है। रिसेंट परफॉर्मेंस में देखिए यहाँ पर कहा है 18-10-0 है, 28-6 है, 41-1 विकेट, एकदम मतलब कह सकते हैं प्रोडक्शन कर करके जो है ना मेरा हालत खराब हो गया। कहाँ बोले इसमें बताइए, कोई कहाँ बोलेगा, आप ही कहाँ बोलना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स खुला है, बोल दिया कीजिए कम से कम, मतलब ऐसा लोग को कहाँ बोलेंगे आप, जो हम तीनों को दिखाएं अभी ऊपर से, क्या बोलना चाहेंगे, इन तीनों में से किसको लेके जाएंगे आप, सोचे हैं, सोच भी नहीं पाएंगे, समझे। अब देखिए हेनरिक क्लासन राइट हैंड बैटर ये, ठीक है। उसके बाद 11 मैच में 430 रन, सबसे अधिक रन हुआ इन्हीं का होगा शायद मेरे हिसाब से, जितना यहाँ हैदराबाद में खेलने वाले हैं, ठीक है। एवरेज 53 का है हेड टू हेड में, 18 का एवरेज है, कम है हेड टू हेड में, ठीक है। अब सब जगह भाई सब नहीं हो सकता, ओके, कहीं ना कहीं तो दबना पड़ेगा। वेन्यू पे तो बेचारे मैच ही नहीं खेले हैं। रिसेंट परफॉर्मेंस में 104 है, 64 है, 47 है, 26 है, 36 है, कौनों बैट्समैन है असल, कौनों बैट्समैन नहीं है कि जिसका कंसिस्टेंट ऐसा परफॉर्मेंस दिखाई दे, कौनो जीरो है तो कौनो कभी हीरो है तो कभी का है तो कभी लिमका है तो कभी ढिमका है साला, है ना, बस एक ही जो दिखाई दे रहा है भैया क्लासन, कि चल भैया दिखाई दे रहा है इसको, ऐसा ऐसा बैट्समैन होना चाहिए यार, कम से कम कुछ दिखाए कि हाँ हम भी हैं। अब चलिए आगे देखते हैं उसके बाद भाई
रो के चाहे गा कर लेकर तो जाना पड़ेगा ही है ना, इसी में से कोई ना कोई ड्रीम टीम में तो आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं कि पूरा उतना ही से आएगा सब, कम से कम 2-3 खिलाड़ी तो चाहिए यहाँ से। हैरी बुर्क एक बार खाली आए, पता ना कहाँ से 100 रन मार उड़ के दिखा रही यहाँ पर, ये सब कुछ है, उसके बाद सब खत्म हो गया। 10 मैच में 190 रन, देखा एक मैच में सिर्फ बंदे का 100 रन शायद था, उसके बाद 9 मैच में 90 रन है, ठीक है ना। हेड टू हेड में एक मैच खेल के 9 रन बनाया, वेन्यू पे भी कुछ भी नहीं है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 27 नबाद है, फिर 0 है, 0 है, 7 है, 18 है, हैदराबाद है, ठीक है। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स, फिलिप्स का देखिए 4 मैच है, रन्स कितना 38 है, हेड टू हेड में एक मैच खेल करके रन्स 4 रन यहाँ पर बनाए, विकेट तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। वेन्यू पे कुछ खेल भी नहीं किया, रिसेंट परफॉर्मेंस में 5 पे 0 है, 4 0 पे 1 है, फिर 25 है, फिर 8 है, फिर 2 है। अब यहाँ पर अब्दुल समद, देखिए भैया बिन मतलब कह सकते, अब क्या बोले, मुंह से बहुत खतरनाक चीज निकल रहा था, लोटा वाला बात नहीं बोलेंगे, बोलना बेकार है। मैच है 9, ठीक ना, 169 रन है, 42 का एवरेज है, वेन्यू पे 5 मैच 38 है और 9 का एवरेज हो गया, यहाँ से 42 थे, यहाँ 9 सीधे घुस उड़ गया है ना। उसके बाद आगे देखें, देखा यहाँ पर, हालांकि ये तो गलत है यार, गलत कैसे है, अच्छा नहीं 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 गलत नहीं है, गलत नहीं है, मैं सोचा गलत है, मेरा एडिटर यहाँ पर गलत कर दिया, मैं गलत नहीं है, सही है, कैसे सही है दिखाता हूँ आगे। वेन्यू पे तो कुछ भी नहीं है, रिसेंट परफॉर्मेंस में क्या देखिए, यहाँ मौके नहीं मिला, यहाँ मौका मिला 4 रन, यहाँ मौका मिला 37, यहाँ मौका मिला 17। देखिए क्या होता है ना, अगर ज़्यादा मैच ही खेल रहे हैं और इसमें आउट नहीं हो रहे ना, तो इन सबको रन को जोड़ के एक बार को डिवाइड करते हैं, जितना मैच बंदा आउट नहीं हुआ है, ठीक है, उसमें जाकर डिवाइड किया जाता है, इसलिए ऐसा यहाँ पर दिखा रहा है। हो सकता है इधर और भी 3-4 मैच में जो है कि ये नबाद रहा हूँ, इसलिए नहीं तो ऐसा तो कभी 9 मैच में 169 रन पे 42 रन का एवरेज कभी बन ही नहीं सकता, ठीक है, मगर इस हिसाब से यहाँ पर बन रहा है, ओके। अब मयंक डगर की बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं डगर का यहाँ पर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है ये, मैच जो है कि 0 विकेट 0 है, हाँ इकोनॉमी 6.5 का हेड टू हेड कुछ नहीं है, वेन्यू पे 3 मैच खेल के 2 विकेट है, 7.5 का इकोनॉमी, उसके बाद रिसेंट परफॉर्मेंस में 0-0-2-2-0। नींद आने लगता है मेरे को, ये जैसा मतलब टीम का प्रिडिक्शन करके जो है ना, नींद आने लगता है, समझे। भुवनेश्वर कुमार, अब देखा इनके देखा, ठीक है, राइट आर्म फास्ट मीडियम, 13 में 15 विकेट है, और इकोनॉमी 8.5 का है, हेड टू हेड में 17 और 20 विकेट है, और इकोनॉमी 6.5 का है, ठीक है, वेन्यू पे 12 है, विकेट है 11, इकोनॉमी 7.5 वही है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 1, फिर 5 विकेट, फिर 0, फिर 1, फिर 1, मतलब हमेशा कभी तो एक एक है ना, तो इधर तो मतलब 0-0 चल रहा था, और मैच हमने देखे थे उसमें 0-0 चल रहा था, कोई खास नहीं था, मगर यहाँ पर सीधा एक के बाद 5 और उसके बाद यहाँ पर 1, इसको बोलते हैं किस्मत, जो इस दिन लिया इसको सी बी सी बनाया तो 5 विकेट लेके निकल गया, ठीक है। ऐसा ही किस दिन आपका भी किस्मत आएगा, ऐसा नहीं है, देख सकते यहाँ पर नटराजन है मान लिया, ठीक है, नटराजन का भाई यहाँ पर देख सकते कितना है, मैच है 12, विकेट है 10, इकोनॉमी 9.5 का है, उसके बाद हेड टू हेड में 4 मैच है, 1 विकेट है, वेन्यू पे 2 मैच खेल के 0 विकेट है, 12.5 का इकोनॉमी है, रिसेंट, ठीक है, रिसेंट परफॉर्मेंस में क्या है, 1-1-0-0-2 ना प्रेजेंट, तो यहाँ पर बहुत बेकार मतलब स्थिति है, अच्छा खासा नहीं है। 4 मैच हेड टू हेड में भी 1 ही विकेट लिए, मतलब ज़्यादा प्रभाव तो नहीं डाल पा रहे मुंबई के खिलाफ, मगर हाँ ये क्या है, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है, ठीक है, अगर हमारे सिस्टम में फिट बैठ रहे हैं, जो हम सिस्टम आगे दिखाएं आपको, उसमें फिट बैठते हैं तो लेके चले, और उसके बाद सी बी एक बार बनाकर ट्राई कीजिए, हो सकता है ये भुवनेश्वर कुमार वाला सिस्टम यहाँ भी अप्लाई हो जाए, कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता किसको क्या हो जाए, क्योंकि ये भी रिकॉर्ड यहाँ पर जो है ना ऐसे ही नहीं हुआ, ठीक है, हेड टू हेड में कैसे बन गया ये, एक ही बार में बन गया ये, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्यों नहीं बन गया, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, यहीं पर सिर्फ 5 क्यों हुआ, ऊपर वाला भी उस दिन जो है ना उसके नाम पर लिख देता कि जा, किसी दिन किसी खिलाड़ी का दिन होता था, किसी दिन किसी हम लोग जैसे जो होते हैं ना खेल खेलने वाले फैंटेसी वाले उसका दिन होता है, ठीक है, वो जिस पे सिलेक्ट कर दिया, जिस बॉलर पे, जिस बैट्समैन पे, उसको चलना ही चलना है किसी हाल में, और जिस दिन नहीं हुआ आपका दिन ना, लाख कोशिश कर लीजिए नहीं चलेंगे, ठीक है, इसलिए रोज कोशिश करते रहिए, मगर हाँ कोशिश भी ऐसे करना है कि बगल से प्रॉफिट ले करके, ये नहीं कि सिर्फ झोंके पड़े हैं अकाउंट से निकाल कर झोंके पड़े हैं 49 लालच में, तो ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है। कार्तिक के त्यागी की बात करें, देखिए राइट आर्म फास्ट मीडियम है ये, ओके, 2 मैच है 1 विकेट है, और हेड टू हेड में 2 मैच खेल के 2 विकेट, ठीक ठीक ठाक है थोड़ा सा, वेन्यू पे क्या 1 मैच खेल के 1 विकेट यहाँ पर भी लिए हैं, तो राइट आर्म फास्ट मीडियम भी यही है, ठीक है। रिसेंट परफॉर्मेंस में 0-1-0-2-2 यहाँ पर देखिए 2-2 चल रहे थे, मगर अचानक गाड़ी खराब हुआ यहाँ पर, फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर यहाँ पर क्या होगा
पता ना, ऊपर वाला ही जानता है। मगर ये चीज देख करके राइट आर्म फास्ट मीडियम का प्रेडिक्शन भी हुआ है, शायद वही चले भी यहाँ पर बॉलर है ना। और ये देख करके लग रहा है कि परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा आपको दिखाई दे सकता है, मगर इकोनॉमी थोड़ा सा हाई है, याद रखिएगा। 10.5 का इकोनॉमी है तो ओवरऑल 15, 15.5 का, मतलब बहुत तेजी से बंदा रन दे रहा है, ठीक है। लो ले जाओ ऐसा करके। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, मयंक मार्कंडे वगैरह सब ये अरे यार हैदराबाद, अच्छा अच्छा बॉलर को सबको उठा के डाल दिया इम्पैक्ट में, देख रहे हैं क्या बात है यार, सब कमाल है भाई। इम्पैक्ट में डाला हुआ है मयंक अग्रवाल, ये सब मतलब बेंच पे बैठा के रखा हुआ है बैट्समैन को, ठीक है। मार्को जैसन वगैरह सब देख रहे हैं, ये है इम्पैक्ट और बेंच प्लेयर, ओके। चलिए आगे चलो, यहाँ पर देखिए आदिल राशिद वगैरह सबको, इन लोग को लाता ही नहीं कभी, उमरान मलिक वगैरह मतलब ही नहीं है। चलो भैया मतलब नहीं तो कोई दिक्कत है, अपने कहा जाता है ना। स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर देखिए, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और कार्तिक त्यागे, ये अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये क्या है, स्टार्ट होगा बुलबुला स्टार्ट। उसके बाद क्या है, ये देखिए मयंक मार्कंडे का नाम मेरे को याद आया था यार, मयंक डगर और यहाँ पर टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार, ये अपना क्या करेंगे, एंड करेंगे, ठीक है, एंड करेंगे ये अपने टीम से। अब देखने वाली बात ये है कि आप जाकर के देखेंगे अभी पीछे फॉरवर्ड करके या बैक करके कह सकते हैं, उसमें कौन किसको आउट कर रहा था, जिसको मैं प्लेयर बैटल निकाला था, उसको आप देख लीजिएगा। अगर कॉपी में लिस्ट में लिखे होंगे तो ठीक है, नहीं लिखे होंगे तो आपको फिर से पीछे करके वीडियो यहाँ से देखना पड़ेगा, उसके बाद से लेकर के जा सकते हैं इसमें से, ठीक है। उसके बाद अगर आगे बात करें तो देखिए इसमें क्या है, प्लेयर बैटल। अब इसमें देखिए कौन किसको आउट करता है, हेनरिक क्लासन को कौन कर रहा है, जॉर्डन है, ठीक है। उसके बाद चावला है, एक एक बार आउट कर रहा है, 13 बॉल फेंका ये 23 रन दिया, एक बार आउट किया, 9 बॉल फेंका ये 23 रन दिया, एक बार आउट किया चावला, ठीक है। राहुल त्रिपाठी कौन करता है, तो यहाँ पर बेरनड्रॉफ, 3 बॉल फेंक के 2 रन देके एक बार आउट कर दे रहे हैं, ठीक ना। अभिषेक शर्मा का कौन करता है, चावला है। उसके बाद एडन मार्करम को ग्रीन आउट करने वाले, एक एक बार सबको आउट किया हुआ है, ओके। आगे अगर चले तो ये टेलीग्राम देख सकते हैं, इतना पंचायत के बाद जो है एक टीम बनेगा जो कि आपको इसी टेलीग्राम पे फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, लिंक यही हो ना डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, सबसे ऊपर टॉप में कमेंट बॉक्स में ऐसा टिक लगा हुआ होगा मेरे चैनल के नाम से, वही कमेंट बॉक्स पे जाइए, उस पर क्लिक कर दीजिए और टेलीग्राम का लिंक खुल जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करिए, यहाँ ज्वाइन का ऑप्शन है, इस पर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। पूरा भरपूर मेहनत करके आपको मैं टीम ये दूंगा, बाकी आप भी मेहनत करके अपने हिसाब से जो मैं स्टेट्स बताया उसके हिसाब से आप अपना टीम बना सकते हैं। स्टेट्स देखिए वही है जो माकरम का जो किया कारनामा वो चीज़ लिखा हुआ है, चाहे हमारा वीडियो देखिए चाहे किसी और का देखिए वीडियो, वो कुछ अपने उसमें से अलग से ला करके उसमें चेंज करके नहीं दिखाई देगा कि नहीं भैया मार्करम यहाँ पर 100 रन मार दिया है, यहाँ 300 मार दिया, यहाँ 500, ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक ना। जो है कि यहाँ 2 रन मारा 2 रन दिखाई देगा, आप गलती से वो जरूर लिख के दिया हो बात अलग है, मगर जो है वही दिखाई देगा, ठीक है। तो स्टेटस देख ही अपने हिसाब से भी टीम बनाइए, बाकी इंतजार कीजिए टॉस के जस्ट बाद आपको मैं टीम टेलीग्राम पर दूंगा, मगर बिल्कुल फ्री रहेगा, सिर्फ लगेगा क्या इमोजी और लाइक वगैरह, ये सब आपको देना ही देना किसी भी हाल में, ठीक है ना। ये दे करके उसके बाद उम्मीद रखिएगा जो हम टीम लगाए हैं ऊपर वाले से थोड़ा सा भरोसा रखिए कि हम अब जीतने वाले, अगर ये ना दिए तो फिर तो भरोसा रखना ही बेकार है, क्योंकि आप समझते हैं कितना मेहनत लगता होगा। देखिए ना अभी वीडियो में सिर्फ देखें, ये सब बताने में मेरे को आधा घंटा का समय लग गया, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर, ओके। ये अपना टीम था, टीम में ईशान किशन रे चल रहे, मरकर वो नहीं चलता है कभी कभी टाइम पे यार, ईशान किशन है, क्लासन है, यादव जी हैं, बुर्क है, डेविड है, शर्मा है, मार्करम और ग्रीन, भुवनेश्वर कुमार, चावला और बेरनड्रॉफ, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले ही लीजिए फट से। चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।